We should hang our heads in shame that we still allow this kind of atrocity, a heinous crime in our country. As a Mahila MP और एज ए महिला मन को दुखाने वाली इंसिडेंट जो बोलते हैं, दिस इज द टाइम दैट वी ऑल नीड टू पुट आर पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड रादर देन स्टार्ट द ब्लेम गेम. ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के साथ इतनी कड़ी शिक्षा उनको मिलनी चाहिए जिससे ये देश में एक एजेंडा सेट होगा. वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस कंट्री इज सेफ फॉर वुमेन एंड दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स डू नॉट हैपन. एज ए महिला हम सबको एक होना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए. एज ए महिला एमपी और एज ए महिला मन को दुखाने वाली इंसिडेंट जो बोलते हैं, सिर्फ वो महिलाओं का अपमान नहीं जिस देश में हम रहते हैं, जहां भारत माता करके हम बोलते हैं, जिस देश को माता के नाम से हम पूछते हैं, और उस देश में अगर ऐसे महिलाओं के साथ में घटना होंगी, दुर्व्यवहार होगा, तो मुझे लगता है ये सरकार ने, फिर कोई भी सरकार हो, कोई ऑपोजिशन इसको राजनीति से जोड़ती है या राजनीति से बाहर करती है, महिलाएं राजनीति का हिस्सा नहीं है. पहली तो सभी पार्टियों ने ये समझना बहुत ज़रूरी है. हम महिलाएं जब अपना आदर रिस्पेक्ट रखकर अपने क्षेत्रों में जाके काम करती हैं, और जब ऐसी महिलाओं के साथ कुछ होता है तो सबसे पहला टीका हम जैसी महिलाओं पर भी होती है कि हम पार्लियामेंट में बैठ के क्या कर रहे हैं. तो मैं सिर्फ इतनी विनंती करूंगी, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार अपने पावर में हो, पावर लोगों को सुरक्षा देने के लिए होती है. और मैं इतनी विनंती करूंगी, और मेरा पूरा विश्वास है, केंद्र सरकार राज्य सरकार ने ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के साथ इतनी कड़ी शिक्षा उनको मिलनी चाहिए जिससे ये देश में एक एजेंडा सेट होगा कि इस देश में जहाँ पर भारत माता करके हमारी शुरुआत होती है दिन की और रात भी उससे होती है, और स्वाभिमान से हम जिस देश में रहते हैं, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, उस देश में इस तरीके से रोड पे लाकर उन्होंने उसका दुर्व्यवहार, ऐसा महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए. तो मैं उनसे ज़रूर डिमांड करूंगी कि उन व्यक्तियों को कड़क से कड़क शिक्षा होनी चाहिए. कोई भी कॉलिंग अटेंशन भी जर लगाई है, एज ए महिला हम सबको एक होना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ना कि राजनीति के लिए. जब मैं महिला करके बोलती हूँ तो मेरा काम है महिलाओं को सेफ रखना, उनकी इज्जत रखना, उनकी रिस्पेक्ट रखना, ना कि उनकी इज्जत को भरे पूरी सभा में उछालना. राजनीति आपके पक्ष की होगी, पर मेरे लिए मेरी महिलाओं की इज्जत, वही मेरा धर्म मुझे सिखाता है उनकी करना. कहा गया है कि हम देश भर में अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं. किस बात की महोत्सव? मणिपुर मेरी भारत माँ की एक अंग जल रही है. कितने दिनों से ये आग लगी हुई है. प्रधानमंत्री मौन व्रत और सारा कैबिनेट गूंगे और बहरे बन के बैठे हैं. मणिपुर में मेरे बहने, मेरे बेटियां, इनकी हालात क्या है, क्या दिख रहा नहीं है? आज मणिपुर में आग लगी हुई है, क्यों सुनाई नहीं देती उन लोगों की आवाज? क्या उनकी कोई हक नहीं है संविधान का दिया हुआ? क्या वो देश के भागीदारी नहीं है? बच्चों को खाना नहीं मिला वहां, रिलीफ कैंप में रिलीफ की सहूलत कुछ नहीं है. ये सब झूठे बातें फैलाए जा रहे हैं. मुझे बताइए, मैं सवाल कर रही हूँ, राज्य सरकार क्या कर रही है? क्या बेहोश पड़ी है? और केंद्र सरकार ये क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री विदेशों का वाहवाही के लिए घूम रहे हैं. प्रधानमंत्री जी सुनिए, फ्रांस में भी फोन की सहूलत है, ऑनलाइन, ट्विटर, हर बात की सहूलत है. वहां से सुनाइए हमारी मन की बात, हमारी तन की बात. ये जो अशील काम हो रहा है मणिपुर में, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? कुछ तो कहिए, एक लफ्ज बताइए, सुनाइए, क्योंकि मेरी भारत माँ की एक अंग जल रही है. मणिपुर में आग लगी हुई है, घरे नाश हो गए, चर्चेस जला दिए, सड़कों पे कोई सहूलत नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, औरतों के बेइज्जती हो रही है. इस देश के बेटियां हैं,
बेटी बचाओ, आपने कहा था बचाइए। CW has taken a sumoto on this. Rekha Sharma ji has tweeted as a chairperson, and I think as an NCW member, but as a woman, it's absolutely shocking. And I say that we all, as a community of human community, we should hang our heads in shame that we still allow this kind of atrocity, a heinous crime in our country. And the worst part is we are mute spectators. It's about these two women who are paraded naked in Manipur, and apart from that, there are like 30-40 people who are, you know, looking at it, probably enjoying this parade, and there are people who are taking videos of it, and I don't understand what do they gain by this. And my question to them would be just one: would you still continue taking the video and enjoying this kind of a scenario? Had it to be a woman from your family, you wouldn't, because then your blood would boil. And here I, as a woman, as a mother, as a daughter, I'm absolutely outraged as to what I see happening. And I think this is the time that we all need to put our political differences aside rather than start the blame game and say that we, as the people of this nation, we have to make sure that this country is safe for women and this kind of incidents do not happen. You can't just brush it under the carpet and blame it on the police or blame it on the government, state government or the central government, as the opposition is doing it. I think we need to blame ourselves that we have time and again allowed such things to happen, and we have been just fighting our personal battles but not collectively come together to fight this battle against the women in our country. And you also said in your tweet that death penalty should be issued. Yes, definitely. I mean, this kind of a crime cannot be, put aside or say that, okay, there's a human rights and we cannot allow death punishment. Until unless we do not give them, met out these kind of punishments to them, people are just going to take it lightly and they say, after all, it's just going to be jail for a few years or there'll be a bail and I'm going to walk out of it because I have some political mileage, some political gain, or there's a human rights commission who's going to fight for me to come out of the bail. I know. I think we have to get a very stringent law, and this kind of, the atrocities or the crimes we see against women, this needs to stop.